साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। साथियों ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जो ये हाईवे है बाढ़ जो गुजरात से जैसलमेर और जोधपुर जाने वाला, उस हाईवे पे कृषि मंडी के एक मुख्य गेट है उसके सामने सूखे चारे से भरा एक ट्रैक्टर था जिसकी ट्रॉली थी, वो पलटी खा गई है किसी टेलर वाले ने टक्कर मारने से। तो मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देख लो ये हाईवे है पूरा। ये देख लो, सूखे सारे से भरा था ये ट्रैक्टर ट्रॉली, पलटी खा गई और इधर रास्ता भी है ना, थोड़ी इधर खाती तो जाम लग जाता। ये कृषि मंडी का जो मुख्य गेट है, जो तो दूसरा वाला सब्जी वाला गेट है, उस गेट के जस्ट सामने पलटी खाई है इस ट्रॉली ने। बताया जा रहा है कुछ किसी टेलर ने इस ट्रैक्टर के टक्कर मारी थी, उस टक्कर के कारण ये ट्रॉली पलट गई और ट्रैक्टर वहाँ जाके खड़ा हो गया। देख लो, ये डिवाइडर पार करके ट्रैक्टर इधर आ गया, देख लो। सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जवान है पुलिस का जो ट्रैफिक हटा रहा है यहाँ से। देख लो साथियों, यहाँ पर ट्रैक्टर आ रहा था, वहाँ टक्कर मारी उस रास्ते पे और ट्रैक्टर ने ये डिवाइडर पार किया, डिवाइडर पार करके यहाँ पहुँच गया ट्रैक्टर। देख लो, शेयर कर लो साथियों एक बार फटाफट। ये तीन छोटी छोटी ये बकरी है ना, ये बकरी इसके अंदर थी, थोड़ा ये बकरी इसके अंदर थी, टोली के अंदर तीनों बच गई है। तीनों बकरियां बच गई है साथियों, देख लो। बड़ा हादसा होते होते बच गया साथियों, बड़ा हादसा होता। ये ट्रॉलियों के ऊपर थी। अरे बनाओ बनाओ, ये तीनों बकरियां अंदर थी इसके अंदर साथियों। चारों तरफ से आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ट्रैक्टर वहाँ खड़ा है, ट्रॉली यहाँ टक्कर मारी है, ट्रैक्टर वहाँ खड़ा हो गया, डिवाइडर पार करके ट्रैक्टर उधर गया है साथियों। बड़ा हादसा होते होते बच गया। एक बार शेयर कर लो साथियों ताकि सभी मित्रों तक ये मैसेज पहुँचे। ये कृषि मंडी के गेट के सामने जस्ट ये हाईवे है ना, पुल, पुल के ऊपर है साथियों। किसका है ये ट्रैक्टर, मालिक कौन है? मालिक आप, क्या नाम है आपका? रेखाराम जी। क्या हुआ, फोन नीचे रखो, क्या हुआ, ये घटना कैसे, ट्रैक्टर पलटी कैसे, टोली खाई? ट्रैक्टर जैसलमेर से आ रहा था, ठीक है, अचानक यहाँ आया तो आगे गाड़ी खड़ी होने की वजह से उसने, गाड़ी वाले ने टक्कर मार के आगे रोड के आगे क्रॉस ले लिया और आज भाग गया। हाँ, फिर इसके अंदर कौन, ये बकरियाँ कितनी थी? तीन बकरियाँ थी। हाँ,
दो आदमी थे। हाँ, किसकी लगी? किसी के नहीं, अभी तक तो किसी की नहीं लगी। हाँ, तो आपने क्या मामला दर्ज करवाया? मामला दर्ज अभी करवाएंगे, गाड़ी वाला भाग गया, उसको पकड़ने के लिए लगे हुए हम। हाँ, गाड़ी क्या, कौन सी गाड़ी थी? कलर गाड़ी। नंबर पता है उन गाड़ी का? गाड़ी का नंबर अभी मालूम नहीं है। पीछे गाड़ी गई है, पकड़ने के लिए। किसकी गाड़ी है? पुलिस की? नहीं, पुलिस की नहीं, सिविल है, अपने खुद की है, प्राइवेट गाड़ी है। डिवाइडर पार करके ट्रैक्टर इधर आया है। कौन सा रास्ता है देख लो सर। यहाँ ट्रैक्टर, उधर ट्रॉली। दो लोग थे ट्रैक्टर पर और तीन बकरी थी अंदर। तीनों बकरियां बच गई है और किसी के नहीं लगी। और सिविल गाड़ी पीछा करने के लिए गई हुई है, वही ट्रक है, ट्रक के पीछे ट्रेलर था बड़ा। तो धन्यवाद साथियों, एक बार शेयर कर लो। फिर इस लाइव को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आज पूरे दिन का ये पहला लाइव था। बड़ा हादसा होते होते बच गया। सदर पुलिस मौके पे पहुँची है, भीड़ को यहाँ से हटा दी है। बाकी अब तो क्रेन बुलाकर इस ट्रॉली को सही करना पड़ेगा। तो धन्यवाद साथियों, इस लाइव को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। फिर मिलते हैं नई लाइव के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत माता की।